दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हरियाणा में कितने राजनीतिक दल हैं, वे कितने राजनीतिक दल केवल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, वे कितने राजनीतिक दल चुनावी दौर में हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी होगी, वर्ष 2009 में हरियाणा में कुल 5 राजनीतिक दल थे, मगर अब 2 नए राजनीतिक दल उभर कर सामने आए हैं। वर्ष 2009 में जहां भारतीय जनता पार्टी को 34% मत मिले थे, वह भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटें प्राप्त की थी। कांग्रेस पार्टी को 22% मत मिले थे तथा उसे केवल रोहतक की सीट मिली थी। लोकदल ने, जिसको INLD भी कहते हैं, 24% मत मिले थे, वह उसे सिरसा व हिसार की 2 सीटें मिली थी। आम आदमी पार्टी ने वर्ष 2014 में हरियाणा में धूम धड़ाके के साथ चुनाव लड़ा, मगर उसे केवल 4% मत मिले। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी हरियाणा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ा था, वह उसे लगभग 5% मत मिले। दोस्तों, अब 2 राजनीतिक दल जो नए उभर कर सामने आए हैं, वह है राजकुमार सैनी की LSP व दुष्यंत चौटाला, जो इनेलो से अलग हुए हैं, JJP। तो इस प्रकार कुल 7 राजनीतिक दल इस समय चुनाव मैदान में हैं, लेकिन राजकुमार सैनी की LSP व बहुजन समाज पार्टी के बीच में समझौता है। इस प्रकार 6 गठबंधन अथवा राजनीतिक दल चुनाव मैदान में हैं, मगर अधिकांश स्थानों पर कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला होने जा रहा है। दोस्तों, 2 राजनीतिक दल इनेलो व JJP जहां अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे, वहीं शेष 3 राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी, LSP व बहुजन समाज पार्टी केवल सिंबॉलिक लड़ाई में होगी, क्योंकि उसे आज तक जिस ढंग से हरियाणा में 100% वोट मिले हैं, वह बताते हैं कि इन दलों के 4-5% से अधिक वोट नहीं है। 2014 के बाद हरियाणा में केवल 1 चुनाव हुआ और वह चुनाव था जींद विधानसभा का। जींद विधानसभा जो जाट बहुल्य क्षेत्र है, मगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 38% मत प्राप्त करके विजय प्राप्त की और वहां JJP 2 नंबर पे रही, वह कांग्रेस 3 नंबर पे रही। दोस्तों, इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी स्थानों पर JJP 2 नंबर पे रहे, लेकिन हरियाणा में यह मुकाबले दिलचस्प होंगे, जहां कांग्रेस अपनी विरासत को पाने के लिए दोबारा प्रयासरत है। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में जिस ढंग से सभी गुटों के नेता राहुल गांधी के साथ रहे तथा राहुल गांधी ने 1 दिन लगाया, उससे लगता है कि कांग्रेस इस चुनौती को गंभीरता से ले रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की लोकप्रियता के सहारे सभी 10 की 10 सीटें जीतने के प्रयासरत है। तो दोस्तों, हरियाणा में कितने राजनीतिक दल अपने अस्तित्व की लड़ाई 2019 के चुनाव के बाद हार जाएंगे अथवा जीतेंगे, यह तो समय बताएगा, लेकिन अधिकांश सीटों पर जहां भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, वहीं सिरसा व हिसार सीट पर, जहां सिरसा पे इनेलो का व हिसार सीट पर JJP मुकाबले में रहने की कोशिश कर सकती है, वहीं शेष दलों को कितने प्रतिशत मत मिलते हैं, यह देखने वाला होगा। आज इतना ही। नमस्कार।